आइवरी ले जाने के लिए यहाँ नहीं रहोगी। मुझे यहाँ से निशाना नहीं मिल रहा है ब्री, नीचे चलो। से नहीं बल्कि दिल से किया है। अगर बिना शक्तियों के तुम ये सब कर सकती हो तो तुम अपनी मंजिल तक बिना रुकावट पहुंच सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस करता हूँ। वापस करेंगे? सच में? हाँ, पर एक शर्त है। तुम्हारी बहन, तुम्हें क्या लगता है वो इस सीक्रेट को छुपा पाएगी? सिस्टर, पता नहीं इसने कहाँ से सीखा। देवी रुको, और जोर में थे। अब समझा कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बहुत बोलता हूँ। आज के बाद मैं यहाँ चुपचाप बैठूंगा और किसी से कोई भी बात नहीं। हाँ, जैसे ये कभी होगा। एलाइजा, क्या तुमने मुझसे बात की? मॉम, डैड, एलाइजा, मॉम। तो अब तुम अपनी फैमिली के पास जा रहे हो? हाँ हाँ, अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। हाँ। ओ प्लीज, इसे रख लो, तुम मेरे दोस्त हो ना? दोस्त? अमेजिंग है ना डैड? लेजेंड ने सही कहा था। बिल्कुल सही कहा था बेटा, पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये एक्लिप्स के वक्त ही यहाँ क्यों जमा होते हैं। हो सकता है एलिफेंट सेफ फील करते हों। सेफ? हाँ, हो सकता है इस एक दिन यहाँ पर सब कुछ बदल जाता हो। छोटा चांद शक्तिशाली सूरज की रोशनी रोक लेता है, तो हो सकता शायद है ये उम्मीद की एक किरण हो। हो सकता है कि इससे समझदार जानवरों को साथ रहने का भरोसा मिलता हो, जैसा कि ये सब सदियों से करते आए हैं। हो सकता है कि ये एक दिन इंसान के लालच के डर के बिना जी सके। पता नहीं, पर बेशक, पर सच तो ये है कि ये तुम्हें शुक्रिया कह रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है डैड। डैड, क्या तुमने उसे कहीं देखा? हम हमेशा यही खेलते थे। हम उसे ढूंढ लेंगे। डैड, वापस आ गया। ओ मेरा
बच्चा। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। अकेला मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, मुझे प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं एलाइजा, अब डाली घर आ गया है, वो भी बिल्कुल सेफ। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो घर चलो। मुझे जाना होगा। बाय एलाइजा। मुझे तुम्हारी याद आएगी, फिर मिलेंगे। पता नहीं तुम्हारा ये सीक्रेट कैसे छुपा कर रख पाऊंगी, पर तुम्हें रखना होगा। मुझे इसी शर्त पर मेरी शक्ति वापस मिली है, ओके देवी? हाँ। तो मेरा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताओगी, क्योंकि अगर तुमने बताया तो तुम एक बबून बन जाओगी। क्या, एक बबून? इन सभी जानवरों का झुंड बड़ी ही शांति के साथ जंगल में घूमता है और नहीं जीनी, समझे तुम? जंगल की कुछ उपजातियों में से एक है और इन्हें जाना जाता है हॉर्नबिल्स के नाम से।